जीवन जैसे है लास्ट शेखा ने कहा अर्थारी माहौल कुछ ऐसे है ये वो अजीम बाकी इन तीन बंदे हैं जो NFC के हैं और इनके कहने पे फरमाइश में ये बिलोंग कर रहे हैं जल्दी मोटरसाइकिल पे एक जो मैं कानून को तोड़ रहा हूँ लेफ्ट मैंने मुड़ना है चार बंदे बैठा के और मेरी जो मोटरसाइकिल है मेरी ठुल्लो महारानी बेचारी इस काबिल नहीं थी कि इतने भारी भारी वजन उठा सके लेकिन इसने मेरा सांप दिया है देखा फूल मेरा फड़ा रहे हो शर्म नहीं आ रही नहीं और माड़ी मोटी तो आ रही होगी बिल्कुल नहीं केटा मोटी थोड़ी जिद जा रहा है एक कभी मेरी 70 जो उसके बैग जा रहे मैं था सर मैं एक ऑफन करवाई थी कि पीछे रस्सी बनो दे नाल नाल टोटे आई हो अच्छा तुम क्यों सड़े ने इतना जुलम किया नहीं जी तैयब साहब जी सर आज जी थोड़ी मोटरसाइकिल तैयार हो गया सर चेक कर रहे हैं अच्छा मोटरसाइकिल पे आग रखी हुई इन्होंने एक गरीब बंदा उसके अंदर घेर लिया इन्होंने हम जा रहे हैं एक साहब को ट्रेड देने के लिए अच्छा ये क्या कह रहे थे आप मुझे ट्रेड देने जा रहे हैं आप सर बात हो रही थी आपकी बाइक की अच्छा मेरा मुंह नहीं आ रहा वो दिखाओ सर अपनी बाइक की चंद खसूसियात बताई बता दीजिए पहले खसूसियात कि हर किस्म का वजन ये उठा लेती है और उसका लाइव सबूत चार बंदे अपने आप को भी दिखा जरा और वो भी इंजीनियर चार तीन इंजीनियर आपकी बाइक ने हमारा वजन उठाया इंजीनियर का वजन उठाया का वजन कोई नहीं उठाता पूरी दिन का समझ लो फिर ये आम मोटरसाइकिल नहीं है मोटरसाइकिल नहीं है कभी भी नेस्ले का पानी नहीं पीता भाई मैंने नहीं खोली बोतल सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा आप तो मेहमान हैं आज के आपकी तो बात नहीं है इस उसका किसने मारा इंजीनियर एहसान इंजीनियर मुश्ताक इंजीनियर रिजवान इंजीनियर अस्नान मौसम गुजर गोसी पूरा नाम है हाँ जी वो 12 किले 12 मजे ये है ये तैयब डॉन साहब ये है हसनैन साहब और लास्ट में मैं इन तमाम ने मुझे नहीं पता क्यों मेरी आज दावत की है भाई क्यों दावत की है तुझे जबरदस्ती कराई थी मेरे लिए हाँ जी रिजवान साहब आप इस बात से सहमत हैं बिल्कुल अच्छा जी मुश्ताक उतार की कसम मैं आपके से किसी दिन आया पढ़ना मैं खुद भी नहीं जानता सर रात की बात है जब ये नुमान भाई ने कहा ना कि थीसिस बाइंड नहीं होना अब रात चल रही हो टेंशन हर बंदा पैनिक है हर बंदा कोई वैसे ही लेटा हुआ है और कोई फुटपाथ पे लेटा नहीं बंदा फुटपाथ पे लेटा हुआ है टेंशन है उस हालात में ये बंदा है ये इसकी शक्ल देखें ज़रा ये शक्ल देखें इसकी ज़रा ये बंदा जो है ना ये है उस हालात में मेरे पास देखो कितनी लांदे पड़ी हुई हैं शक्ल देखें ज़रा शक्ल उसकी ये बंदा मेरे पास आया अब कोई बात कर रहा थीसिस बाइंड करवाने की प्रिंट करवाने की ये कहता आगे सान गल सुन ला मेरी ये सवेरे प्रेजेंट मैं करना चाहिए भाई कहते वाईवे के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन देनी है जी आप क्या कहेंगे अपनी सफाई बीइंग अ ग्रुप लीडर मैं ये चीज़ सब चीज़ों को साथ पैरेलल लेके चल रहा था मैंने ये भी डिसाइड करना था कि उस पेपर को फोटोस्टेट भी करवाना है ये भी डिसाइड करना था कि सुबह प्रेजेंट किसने करना है ठीक है आपके जज्बात समझ गया जज्बात बाकी मैसेज अच्छा जी एहसान भाई मेरा ये सवाल है आपसे आपने 2016 से लेकर 2020 तक NFC में रहे हो अब आप इंजीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह शर्म नहीं आ रही आपको सर देखें शर्म झिझक दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती सर इस पे शेर आ गया शर्म झिझक दहशत झिझक और परेशानी अच्छा नाज से काम क्यों नहीं लेती अच्छा आप वो
जी मगर ये सब क्या है, मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ये डायरेक्शन आई है जनाब इस शेर की जनाब मोहतरम राय हुसैन साहब से। सर आपको जो है ना, मैं आज इस मौके पे आपको मैंने अपनी लिखी हुई कथा सुनानी है। कहानियां खुल रही है ना अब फन फेयर में। स्नान साहब जो है ना, फन फेयर में स्नान साहब जो है ना, ये अपना अब बड़े अच्छे बंदे हैं। हु इज गुड गाय, ही इज अ गुड गाय ब्रो, ही इज अ गुड गाय। आप उधर ही चले। क्या बोलूं, शेर तरह से सुना है। हाँ। आप जब उठते थे दर्द तो होती होगी। रिजवान साहब बात ये है सर कि जब आप पहली मर्तबा यूनिवर्सिटी आए, आपका नाम शाका डाल दिया गया, इसकी क्या वजह थी? बात कुछ यूं थी कि इस भाई जान की कोई बर्थडे थी। अच्छा। और हमने गलती से वो सेलिब्रेट कर ली। अच्छा। सेलिब्रेशन के अंदर एक टीचर भीग गए, टीचर के ऊपर हमने पानी फेंक दिया। टीचर नीचे से आ रहे थे सीढ़ियों के ऊपर से, हमने उनके ऊपर बाल्टी पानी की गिरा दी। अच्छा। वो टीचर भाई थोड़े पैनिक हो गए। मैंने कहा नहीं सर, मैं शरीफ साहब बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। कहता नहीं, आप अपने आप को शाका समझ तो ये भाई, वहाँ से आज तक मेरा नाम शाका ही पुकारा जा रहा है। जब पहली मर्तबा आपको आपके दोस्तों ने इकट्ठे शाका बुलाया, तो कहाँ कहाँ दर्द हुई ये बताइए, और कैसा कैसा महसूस हुआ? हेलो जी राय साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। गाड़ी के दरवाजे बताए पहले यार। मैंने सुना है मस्जिद में आप एक चप्पल उठाते पकड़े गए और आपकी मूछों की बजाय दाढ़ी उतार दी गई, क्या ये सच है? जी वो मस्जिद नहीं थी, वो डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट से चोरी की। इनके बारे में सर एक मशहूर कहावत है, इनके बारे में एक मशहूर कहावत कह लो या बात कह लो, ये जो है ना अपना डाइट बड़ी प्रॉपर लेते हैं। अच्छा। प्रॉपर डाइट यानी कि अगर रोटी नहीं खानी उन्होंने। अच्छा। और कोक भी डाइट वाली भी नहीं है। अच्छा। और आप देखिएगा आज इन्होंने बिल भी देना है और खाना भी नहीं खाना, देखिएगा। ये मशहूर कहावत है, इसके बारे में ये सही कह रहे हैं भाई जी सर। अब इनका ये टास्क है सर, इनका ये टास्क है, ये लेंगे तैयार पहन लेंगे। नहीं नहीं सर, ये टास्क है, ये गलत बात है भाई। ये टास्क पूरा नाम है मेरा, टास्क टास्क। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हस्ती का इंटरव्यू करना जा रहे हैं, जिस हस्ती का, उस हस्ती का नाम तैयब इसहाक, तैयब जुबैरी, ये आशिक तैयब। आपको अपने इस इंट्रो पे क्या कहना है, क्या कह सकते हैं सर उनको? ज़्यादा आज की अभी पूछ लेंगे, ये इतना पैनिक और डिप्रेशन में क्यों? पहले कसम उठाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और फिर आपने बताना है कि आप इस वक्त टेंशन में क्यों हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये वीडियो अपलोड तो नहीं करने? ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये पक्की बात है, लो ये तोड़ बात दे लो, दिखाओ पक्की। तैयब का मतलब होता है पाक, सही है। पहली बात ये, पहली इससे इससे ये पूछे कि ये लास्ट टाइम कब नहाए थे, यकीन कर सच से बताए, सच सच। हाँ जी कब नहाए हो? कितने 100 साल हो गए सर? मैं सर सुबह नहाया हूँ, ठीक है, आज सुबह नहाया हूँ मैं। उससे पहले कब नहाए थे? उससे पहले कल। तो अभी ये लो जी खाना आ चुका है, हम खाना खाने लगे हैं। खाने के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कैमरा मैन एहसान परवेज। ये मुंह देख लें खाने के टाइम पे, बहुत भूख लगी बाद में लेटा हुआ सर उस वक्त। अच्छा फिर मैं दिल तोड़ के अंदर कैसे गया? जब आपने वो बात फरमाई ना अपने मुंह से, सांस ऑफ वेट, सबर कर वीरे सबर कर, फिर जब आपने कहा ना सर ये 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 पहली पिक्चर। अच्छा। ये पहली पिक्चर लें बाइंडिंग, माने गया लॉज में। चलो जी ओके हो गया। इंट्रैक्शन हुआ है कितने अरसे में हुआ और कैसे थे हमारे इंट्रैक्शन? सर मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब हमारा इंट्रैक्शन तकरीबन 2-3 महीने पहले हुआ, 2-3 महीने पहले हुआ है, और आज जैसे शेख साहब हम दवा खिला रहे हैं, मैंने तो कुछ समझ नहीं लग रही, हो ही रहा।